नमस्कार। तो आज आप हम जोमेटो लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जोमेटो स्टॉक की बात की जाए तो 74.20 पे यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है जोमेटो स्टॉक या फिर फ्राइडे की दिन में। तो देख सकते कि आने वाले समय में मोमेंटम क्या हो सके उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि 95 से डाउन था स्टॉक, यहाँ पे फ्राइडे के दिन 1% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। 75 लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया स्टॉक, तो 75 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। तकरीबन एक अच्छी मोमेंटम पिछले 1-1.5 महीने से देखने को मिली थी, पर यहाँ पे फ्राइडे ग्रीन स्टॉक में कोई खास मोमेंटम नजर नहीं आई थी। जैसे ओपन हुआ स्टॉक थोड़ा सा बेरिश नजर आया। एंड ऑफ द डे में स्टॉक ने यहाँ पे नीचे 75 के क्लोजिंग दी थी 1% डाउन। मार्केट कैप जो है 62,000 करोड़ का है। स्टॉक ने रिकवरी तो अच्छी की है, पर यहाँ पे आप देख सकते कि ऊपर जाने के लिए अच्छे वॉल्यूम्स भी और भी चाहिए। पिछले 1 मंथ की भी बात देखी जाए तो लास्ट 1 मंथ में 15% का रिटर्न दिया है टोटली जोमेटो स्टॉक ने। इनसे एक अच्छी रिकवरी की है। स्टॉक तकरीबन 55 लेवल से एक अच्छा रिकवर होता हुआ ऊपर आ चुका है पिछले 1-1.5 महीने से। तो यहाँ पे आप देख सकते कि चार्ट के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे जोमेटो स्टॉक के। तो जोमेटो स्टॉक का यहाँ पे चार्ट देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक में वॉल्यूम्स यहाँ पे रिसेंटली थोड़े अच्छे आने लगे, क्योंकि वॉल्यूम्स की बात की जाए तो पॉजिटिव वॉल्यूम्स पहले काफी कम आते थे, पर पिछले 1.5-2 महीनों से स्टॉक के अंदर पॉजिटिव वॉल्यूम ज्यादा नजर आए। वॉल्यूम्स की यहाँ पे देखोगे ये जो रेंज है काफी कम वॉल्यूम्स आते थे और नेगेटिव वॉल्यूम ज्यादा थे, तो मूवमेंट भी वैसी वीक नजर आती थी। पर जैसे यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ने लगे तो स्टॉक ने पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया 55 को, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया, 65 को ब्रेकआउट दिया, फिर 70 लेवल को ब्रेक करके स्टॉक ने यहाँ पे 80 लेवल पे रेजिस्टेंस लिया और रिसेंटली 80-75 के नीचे ट्रेडिंग कर रहा है। तो नीचे की तरफ आता है तो 70 लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिव जोन होगा स्टॉक के लिए, और नीचे आता है तो नहीं तो स्टॉक यहाँ से पुल बैक देखने को मिलता है तो फिर से एक बार 80 लेवल तक जा सकता है जहाँ पे रेजिस्टेंस लगा था लास्ट वीक के अंदर।